तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग एक और न्यू गेम को खेल रहे हैं। इस गेम का नाम है स्कैरी रोबर होम क्लैश। यार ये गेम बहुत ही ज्यादा फनी है, तो चलो फटाफट से मैं अपने गेम प्ले को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यार देखो, यहाँ पर ये रहे वो दोनों नोबड़े चोर कहीं के, जो हमारे घर में चोरी करने वाले हैं। अब यार देखो मैं इनको यहाँ पर कैसी चोरी करवाता हूँ, इन दोनों चोरों के यहाँ पर कैसे बैंड बजाता हूँ मैं। तो चलो यार, अभी तो यहाँ पर हमारा ये गेम प्ले भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है द बुर्गलर्स आर अबाउट टू वॉच ए मूवी दे वॉन्ट फॉरगेट। मतलब भाई ये चोर जो है ना यार, ये चोरी करने से पहले एक मूवी देखने वाले हैं। तो यार आज देखना मैं यहाँ पर इनको कौन सी वाली मूवी दिखाने वाला हूँ। मतलब यार कति यार मेरे घर के अंदर आके यहाँ पर चोरी करने से पहले यार मूवी देख रहे हैं यार, ये तो पहुँच से बाहर हो गया। तो चलो यार देखते हैं, अभी हम फटाफट से अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। यार गेम को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ये ट्यूटोरियल आ रहा है, बट यार मैंने इस गेम को पहले भी खेला हुआ है, तो आई थिंक मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं बट बहुत ज़्यादा कुछ पता है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले इनकी मूवी को चेंज करना है। तो ये रे भाई भूत वाली मूवी, और ये कॉमेडी वाली मूवी थी, तो कॉमेडी वाली मूवी के अंदर हमने भूत वाली मूवी को रख दिया। अब हमें रंगे हाथों ऐसे फटाफट से निकल लेना है। तो अभी देखना है यहाँ पर, ये जो चोर चोरी करने से पहले मूवी देखने वाले थे ना, तो अब देखना है यहाँ पर इनकी कैसे फटने वाली। ओह सॉरी गाइस, अब देखो। ओके चेंज कर दी मूवी। ओबे देखो यार, अबे क्या हो गया उसको, कैसे फेंक के भाग गया यार, मजे आ गया कति। तो देखो यार गाइस, मेरा यहाँ पर ये वाला लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट वाले लेवल में अब देखो भाई हमें क्या करना है। द बुर्गलर्स आर ट्राइंग टू स्टील योर डैड्स कार, दे आर फॉर ए बम्पी राइड। अबे भाई ये चोर यार मेरे डैड की कार को चोरी करने वाले हैं। तो अभी मेरे को यहाँ पर इन दोनों चोरों का कुछ ना कुछ तो इलाज करना है। देखो यार ये मतलब कार को चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से गेट ओपन करता हूँ। तो मैं आ गया, आई एम कमिंग। तो अभी मेरे को यहाँ से इधर की साइड में जाना है, तो आई थिंक वो कार यार इसी गैराज के अंदर होगी। तो इसको ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर। ओहो ये हमें यहाँ पर ये कार मिल चुकी है। तो यार ये तो मेरी कार है ना, मिलने से क्या मतलब। तो यहाँ पर मैं स्टार ले लेता हूँ। तो यार अब मेरे को इस कार का क्या करना है, इस कार का मेरे को करना है इसके स्विचेस चेंज करने हैं मेरे को। मतलब भाई ये भी बिल्कुल एकदम सही सलामत खड़ी हुई है, इसके ना मेरे को यहाँ पर स्विचेस चेंज करने हैं। तो स्विचेस चेंज करने के लिए पहले मेरे को एक प्लग ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर इसका प्लग लाइट के अंदर लगा हुआ है ना। तो अगर मैंने वो नहीं निकाला ना और डायरेक्ट स्विचेस चेंज कर दिए मैंने, तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो मैंने यहाँ से वो प्लग तो निकाल दिया। अब मेरे को यहाँ पर इस बैटरी के वार्ड्स चेंज करने हैं, वायर्स। तो यहाँ पर मेरे को लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ से आई थिंक मैंने सब कुछ कर दिया, और गेट ओपन करता हूँ मैं। अबे 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 ये 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 चोर कहाँ से आ गया। अबे टिल्लू कहीं के तू पागल है क्या। देखो यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अबे यार इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मुश्किल तो नहीं है, बट अभी मेरे को इधर आना है थोड़ा सा। ओ यार ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। आ जा भाई तू इधर आ, तू इधर आएगा तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा। आ जा, नहीं मैं इधर हो जाऊंगा, थोड़ा इधर आ। देखो यार अबे परेशान कर दूंगा बेटा, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यार मेरे को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, ये चोर इधर आता है तो मैं इधर, और ये इधर आता है तो मैं इधर। अब बेटा तू पूरा चक्कर काट गएगा। और देखो भाई इतना बड़ा पागल है, ये दीवार कूद के नहीं आ सकता मेरे पास। देखो यार मतलब कति दिमाग ही नहीं है इनके पास। तो चलो अभी यार यहाँ पर टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी हम फटाफट से घर के बाहर आ जाते हैं। तो घर से बाहर आने के बाद अब देखना है यहाँ पर, वो छोटा वाला चोर तो चला गया यार उस कार के पास। तो अभी इस कार को स्टार्ट करने वाला है, कर दे स्टार्ट। तो भाई ये इसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसको कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इसके यहाँ पर तार तो लगाए थे, बट ये चल क्यों नहीं रही। इसने यहाँ पर इसके तार लगाए तो इस वाले चोर की यार बैंड ही बज गई। उसने अपने पार्टनर की बैंड अपने हाथों से बजा दी। तो चलो यार अभी हम इसके नेक्स्ट लेवल को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले लेवल के अंदर पता है क्या होने वाला है, ये जो चोर है ना भाई, एक ज्वेलरी बॉक्स चोरी करने वाले हैं। तो यार अब देखना, मतलब मेरे होते सिवाते मेरे घर के अंदर से ज्वेलरी बॉक्स उठा के ले जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। अबे पागल कहीं के, हम यहाँ पर चोरी करने आए हैं या यहाँ पर केक खाने आए हैं। वो यार पागल सा बंदा उसको केक दे रहा था। तो यहाँ से मेरे को फटाफट से स्टार कलेक्ट करना है। अब मेरे को सबसे पहले जाना है यार, कहाँ पर जाना है मेरे को। मैंने यार इस गेम को यार काफ़ी टाइम पहले खेला था, बट अभी मेरे को यार थोड़ा सा यार इस गेम के अंदर याद नहीं है, बट मुझे यहाँ पर इतना तो पता है मेरे को यहाँ पर एक माउस ढूंढना है। माउस ढूंढना है जो माउस ट्रैप के अंदर है।
तो वो मेरे को कहाँ पर मिलेगा? ओ एक मिनट, आइडिया यार, वो तो मेरे को बेसमेंट के अंदर मिलेगा ना, तो बेसमेंट तो यार हमारा उधर की साइड में है। हाँ यहाँ पर है बेसमेंट, अभी हम फटाफट से इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। तो नीचे यार आई थिंक मेरे को चूहे मिल जाए। चूहे, ओ यहाँ पर मेरे को माउस ट्रैप मिल गया, तो यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ फटाफट से। अब मेरे को जाना है चीज ढूंढने, चीज मतलब इस चूहे का खाना, जो ये चूहा खाएगा ना, जिससे चूहा और भी ज्यादा मोटा हो जाएगा। और जब मैं इस चूहे को उस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर डालूंगा ना, जिसको ये चोरी करने वाले हैं, तो तब यार और भी ज्यादा मजा आएगा जब ये चूहा उनके हाथों में काटेगा। तो आई थिंक मेरे को वो चीज यहीं पे मिलने वाला है किचन के पास। अबे यहाँ से कहाँ पर चला गया वो? यार मैंने इस गेम को काफ़ी टाइम पहले खेला था ना, तो शायद इस जगह से कहीं और चला गया है वो। तो अब मैं कहाँ पर जाऊँ? तो यार अब मैं जाता हूँ सबसे पहले ऊपर, शायद भाई वो चीज़ ना वो मेरे को उसी ज्वेलरी बॉक्स के पास ही मिलेगी। तो इसको ओपन करता हूँ मैं। ओ अबे भाई ये क्या हो गया यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं किया, इन दोनों चोरों ने मेरी बैंड बजा दी। ओ भाई साहब, यार मैं बातों ही बातों में लगा रह गया और मेरी बैंड बज गई। तो यार बस बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर इन दोनों चोरों की बैंड बजाने वाला हूँ। और इस बार कोई नॉर्मल सी बैंड नहीं बजेगी, इस बार बहुत तगड़ी बजने वाली है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसको दे रहा है कि भाई तुम ये केक खाओ। तो ये इसको बता रहा है कि भाई यहाँ पर तू चोरी करने आया केक खाना आया, चल यहाँ से तू फटाफट से एक ज्वेलरी बॉक्स ढूंढ। ओके, तो इसने ये उसको वो बताया है। तो अब मेरे को पता है क्या करना है, उसी वाले माउस ट्रैप को उठाना है मेरे को। उस माउस ट्रैप को उठाने के बाद मेरे को अपने बेडरूम के अंदर जाना है, जहाँ पर मेरा वो सोने का डब्बा रखा हुआ है, जिसमें मुझे दादी जी ने सोने के गहने दिए थे। उसमें यार मेरी दादी जी के सोने के गहने रखे हुए हैं, तो मेरे को यार उसको चोरी करने से तो बचाना ही है। और यार देखो वो दोनों चोर यार ऊपर की साइड में क्या कर रहे हैं, एक तो ऊपर की साइड में अभी बॉडी बना रहा था। तो चलो भाई यहाँ से मैंने माउस ट्रैप उठा लिया। आई थिंक अबे यहाँ पर ये चोर कहाँ से आ गया, इसने शायद मेरे को देखा नहीं, वो अंदर चला गया। ओ भाई यहाँ पर मैं बिल्कुल सेफ हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बट अभी यार आगे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं इस रूम के अंदर जाता हूँ, शायद यही होगा मेरा बेडरूम। हाँ यार यही तो है, लेकिन माँ वो किधर गया भाई, ज्वेलरी बॉक्स यहाँ पर भी नहीं है, तो शायद भाई दूसरे वाले रूम के अंदर होगा। ओ यार मैं तो यहाँ पर बाथरूम के अंदर आ गया, मेरे को यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो दोनों चोर आ गए ना, तो मेरे को यहाँ पर ही पकड़ के उल्टा लटका देंगे। तो इस वाले रूम के अंदर तो पक्का होगा, 100% मिलना चाहिए भाई। ओ मिल गया, तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। और यहाँ पर ये रखी चीज़ मतलब पनीर, तो इसके अंदर इसको भी डाल देता हूँ। अब ये चूहा ये खाना खाएगा और बहुत मोटा हो जाएगा, मतलब भाई बॉडी बनाएगा। तो अभी मेरे को फटाफट से इस घर के बाहर जाना है। ओ यार मेरे को चोर ने देख लिया, अबे देख लिया, मेरे पीछे पड़ गया। तो मैं यहाँ से फटाफट से रूम के अंदर ही गायब हो जाऊँगा। ओहो चलो भाई बच गया मैं उस चोर से, बट अभी मेरे को बहुत ही ध्यान के साथ, अबे भाई फिर से देख लिया, निकलो यहाँ से, निकलना पड़ेगा अब तो, मैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। देखता हूँ यहाँ से मैं भाग पाता हूँ क्या। अबे ये चोर भी यार देखो मेरे कितने क्लोज आ गया, देखो यार एक मिनट पीछे की साइड में, अगर मैं यहाँ पर जरा सा भी ब्रेक मार लेता ना, तो ये तो यार मेरे को पकड़ ही लेता। बट यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके इस घर के बाहर तो आ गया। अब देखो यार ये दूसरा वाला चोर भी कैसा आ रहा है, मतलब तुम तो यार मेरा कुछ कर ही नहीं पाओगे। एक तो तुम मेरे घर के अंदर हो और ऊपर से तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो, मुझे ही मेरे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे। तो अभी ये दोनों चोर तो जा रहे हैं। ओके तो पहुंच जाएं, जल्दी से जाओ फटाफट से तुम उस ज्वेलरी बॉक्स को उठाओ जाके। जब देखना भाई ये ज्वेलरी बॉक्स को उठाएंगे और इनके मुँह पर वो चूहा काटेगा, तो मज़े आ जाएंगे। तो ये दोनों चोर जा रहे हैं, अभी कितनी स्पीड के साथ जा रहे हैं। ओके पहुंचने वाले हैं दोनों चोर, मैं ऊपर की साइड में देख रहा हूँ मैप में, देखो एक लेफ्ट साइड में देखो आप लोग, आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर ये दोनों चोर जा रहे हैं। तो अभी मेरे को इनके घर के अंदर नहीं जाना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करना है, क्योंकि ज्वेलरी बॉक्स उठाने वाले हैं। उठा लो यार, पहुंच गया ये ज्वेलरी बॉक्स के पास। तो ये दिया ने ये ज्वेलरी बॉक्स के बॉस, मैं तुम्हारे लिए सोने का ज्वेलरी बॉक्स उठा लाया। ओ भाई इसने इसके ऊपर ये चूहा डाल दिया, अब देखो इसके ऊपर ये कैसे फेंक के मारेगा। ओ तेरी तो, इसने यहाँ पर इसका टकला फोड़ दिया, इसको दिन में तारे दिखा दिए यार, मजे आ गया। मतलब सोने की जगह यार इन्हें मैंने चूहा दे दिया। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दो यार, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।